टेक्नोलॉजी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। भाजपा व बसपा के कार्यकर्ताओं ने थामा सपा का दामन। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष कलीम खान के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। जब वही न्यूज 24 एक्सप्रेस के संवाददाता सिबू सैनी ने जब जिला अध्यक्ष कलीम खान से बात की तो उन्होंने बताया कि 2022 में भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे, मित्र का इंकलाब होगा और 2022 में बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी थी, गरीब और गरीब हो गया, युवा बेरोजगार हो गया। युवा जब अपनी वोट की चोट से सपा की सरकार को सुनेगा, क्योंकि सपा सरकार में युवाओं का हित और रोजगार मिलता था। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में सपा पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन भी उन्हीं के तारों पर मौजूद काम कर रहा है। इस दौरान जिला कोषाध्यक्ष राजू यादव, प्रदेश महासचिव युवदल सभा नाजिम खान, भोले कुरैसी, गुफरान अहमद, जिशान कुरैसी, शकील अहमद, मनोज कठेरिया, शकील कोटेदार मौजूद रहे, रिजवान खान मौजूद रहे, आसिफ मौजूद रहे। कन्नौज से जिला संवाददाता सिबू सैनी की रिपोर्ट। अदी, आज पार्टी के कार्यालय में किस तरीके से लोगों ने सम्मान किया गया यहाँ पर? आज तमाम लोग जो है बीएसपी और बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। कई सैकड़ा लोग जो है आज इनायतपुर गांव से लेकर तमाम और अन्य गांव के लोग जो है वो पूरे गांव के गांव शामिल हुए हैं। और मैं सबको पार्टी की तरफ से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं बीजेपी को भी बताना चाहता हूँ कि बस आपका अंतिम संस्कार होने का बाकी रह गया है। आने वाले वक्त में ये जनता बीजेपी को जो है वो धूल चटाने का काम करेगी। जैसे नकलों में दौड़ मची है सपा में शामिल होने के लिए, ऐसे कोई नए चेहरे आज यहाँ पर पार्टी कार्यालय में आए हैं? जी, तमाम लोग हैं, आसिफ भाई से लेके तमाम हमारे बीडीसी हैं, तमाम प्रधान लोग हैं, ये सारे लोगों ने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। तो इससे पहले ये कौन सी पार्टी में थे? इससे पहले बीएसपी में और बीजेपी में ये सारे के सारे लोग रहे। तो आज लगभग कितने लोग शामिल हुए हैं पार्टी? आज पूरा इनायतपुर गांव से लेके और कचपुरबा से लेके तमाम बहुत से गांव हैं, अटारा वगैरह है, ये तमाम सिमरापुर सब शामिल हुए, सिमरापुर से लेके तमाम बहुत से गांव हैं। एक थोड़ा सा बताएं। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।